और नया पार्लियामेंट भवन तैयार, मुख्य गेट बनकर तैयार हो गया है और ये 28 मई को इसका उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री करेंगे। और जो विवाद हो रहा है कि इसको उद्घाटन में अपोजिशन की एक पार्टी है नहीं जाएंगी, मुझे लगता है कि विवाद नहीं करना चाहिए, ये देश के लिए बना है, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं। तो अभी मैं आपको पार्लियामेंट के अंदर लेके जाता हूँ, अभी हम रफी मार की तरफ यानी प्रेस क्लब की तरफ से आ रहे हैं और ये बैरिकेड है, इसको खुलने में तो अभी समय लगेगा क्योंकि अभी बाहर का थोड़ा थोड़ा सा काम रह गया है। तो मैं अभी आपको पार्लियामेंट के अंदर लेके जाता हूँ। तो ये सफाई काम भी हो रहा है और हम मेन गेट की तरफ आ गए, ये मेन रिसेप्शन की तरफ। हमने दोनों ये गेट तो अभी खुलने में टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग जो भी मेन गेट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहीं से हम एंट्री करेंगे और ये मेन गेट से हम फिर अंदर प्रवेश करेंगे। और अब हम पार्लियामेंट की तरफ प्रवेश कर गए। ये पुरानी पार्लियामेंट जो ऐतिहासिक है, 1929 में बनकर तैयार हुई, और ये है नई पार्लियामेंट जिसका काम, जिसके लिए तैयारी हो रही है, यहाँ उद्घाटन होगा। और ये फाइनल टच दिया जा रहा है। तो अब हमारा ये जो उद्घाटन होगा यहाँ होगा, प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। और ये आपकी, अभी मैं आपको ऊपर ले जाकर इसका और दर्शन कराऊंगा। तो ये तैयारियाँ हो रही हैं बहुत ज़ोर शोर से। बनकर तैयार है, सारे गेट तैयार हैं, सब तो बिल्कुल फाइनल टच है क्योंकि 29 को उद्घाटन होना है। और ये हमारी पुरानी बिल्डिंग, ये जो नई बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है, 29 को उद्घाटन होगा, इसके बारे में और मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। और अभी मैं पुरानी बिल्डिंग में प्रवेश कर गया हूँ और ये पुरानी बिल्डिंग ऐतिहासिक बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये हम फर्स्ट फ्लोर में आ गए और यहाँ से अब मैं आपको नई बिल्डिंग दिखाने वाला हूँ। मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, नई पार्लियामेंट भवन बनकर तैयार हो गए हैं। 29 को उद्घाटन हुआ, 29 को उद्घाटन हुआ, चेन्नई के कोच्चि मठ के पुरोहित हुए, जिन्होंने 1947 में 14 अगस्त के रात को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सिंगोल यानी जो राजधर्म था, जो धर्मदल उसको दिया था, सौंपा था, वही मठ के पुजारी और मुख्य पुजारी यहाँ आ रहे हैं। और वो इस नए पार्लियामेंट को जो सिंगोल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन कर रहे हैं। इस भवन में दो हॉल है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। लोकसभा में 588 सीटें हैं, 888 सीटें हैं और राज्यसभा में 340 सीटें हैं। कुल मिलाकर यहाँ 1240 के आसपास सीटें हैं। और जब भी सेंट्रल हॉल का काम होगा यानी जब संयुक्त सत्र होगा, राष्ट्रपति संबोधित करेंगे, तो वो लोकसभा में करेंगे। और इसके अलावा ये जो फोन है, इस फोन में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, चाहे वो स्मार्ट कैमरे हो, स्मार्ट टीवी हो, और हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के टेबल पर एक लैपटॉप लगा होगा, एक स्मार्ट टैबलेट लगा होगा,
तो उसके जिस भी सब्जेक्ट पर डिस्कशन चल रहा था उसकी सारी इन्फॉर्मेशन बैकग्राउंड पर उनके लैपटॉप पर आ जाएगा, तो उनको बहुत सारी सुविधाएँ उस पर मिल जाएंगी। तो ये नए भारत का नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक नया दर्शन होगा, उसको हम 28 मई को इसके दर्शन कर सकते हैं। और भवन को देखने के लिए स्कूली बच्चे भी आ रहे हैं, क्योंकि उद्घाटन के बाद थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसलिए बच्चों को पहले ही दिखाया जा रहा है। तो ये नया भवन, और नया भवन की तो ये अभी हम लोग अब उन 28 मई का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि सब तैयारियां हो रही हैं और जो सब काम बचा हुआ है वो भी पूरा हो गया। जो ग्रेडिंग का काम था, पहले थोड़े से गड्ढे थे, वो भी अब इन्होंने उस पर डूब लगा दी है, तो वो भी अब पूरा हो गया। और जो ये थोड़ा सा वेस्टेज बचा हुआ है, ये आज कल में इसको यहाँ से साफ़ कर देंगे और ये कल तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। नमस्कार, मैं रोशन हूँ और मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं ये नई पार्लियामेंट है, नया संसद भवन, ये नए भारत की नई तस्वीर है, ये नए भारत के नए लोगों के भारतीय लोगों की नई उम्मीदों की तस्वीर है। 28 मई को इसका उद्घाटन होगा और इसमें देश भर के, दुनिया भर के बड़े मेहमानों को यहाँ बुलाया हुआ है, सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया हुआ है। हालांकि जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं 20 पार्टियों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है, क्योंकि उनकी मांग है कि राष्ट्रपति इस नए बिल्डिंग का उद्घाटन करें, लेकिन वो प्रधानमंत्री के हाथों से नहीं देखना चाहते। लेकिन ये नए भवन है, इसको क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये बने, तो वो चाहते हैं उनके हाथ के लिए उद्घाटन हो, तो ये उद्घाटन 28 मई को होने वाला है। इस उद्घाटन में उसी मठ, चेन्नई के उसी मठ के पुजारी आ रहे हैं जिसने 1947 को 14 अगस्त रात 11:45 पर एक सिंगोल यानी जो राज दंड का एक दंड का जो चांदी की है, 5 फीट लंबी है और उसके सिर पर नंदी महाराज बैठे हुए हैं विराजमान जी, और उस पर सोने का पानी चढ़ाया हुआ है, वो दंड यहाँ स्थापित की जाएगी। उसे इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया था, वो जवाहरलाल नेहरू से वहाँ इलाहाबाद कैसे चला गया एक ये स्टडी का सब्जेक्ट है, लेकिन उसे भी खोज हुए वो वापस हिंदुस्तान लाया गया है। और इसी पार्लियामेंट में लोकसभा अध्यक्ष के समीप, उनके आसन के समीप को दंड रखा गया था। लोकसभा में 888 सीटें हैं और राज्यसभा में 340 सीटें हैं, कुल मिलाकर यहाँ करीबन 1250 सीटें हैं। और ये जब अभी 2026 में जब नई परिसीमन होगा तो तब लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी और फिर विधानसभाओं की भी सीटें बढ़ेंगी, राज्यसभा की भी सीटें बढ़ेंगी, तो उस हिसाब से उसको तैयार किया जा रहा है कि अगले 100 सालों के लिए नए पार्लियामेंट भवन तैयार हो। ये लेटेस्ट है, इसमें सारी जो इक्विपमेंट्स हैं, जो नए आज के ज़माने की तकनीक है, चाहे वो लैपटॉप हो, टैबलेट हो, साउंड सिस्टम हो, यहाँ स्मार्ट टीवी लगाई जाएगी जिनसे लगभग जो जितने मेंबर हैं उनको स्पष्ट सुनाई दे, स्पष्ट दिखाई दे, और उनके पास जो टेक्नोलॉजी हो, जो रिसर्च के सब्जेक्ट हुए उनको लैपटॉप पर हुए, तो ये किस्म से नए जो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नया फोन बना है, ये नए देश का, नए लोगों का, हमारे सभी भारतवासियों का उनकी प्रतीक होगा, उनके आकांक्षाओं का प्रतीक होगा। बाकी मैं आपको और आगे नहीं करता।